विश्व के हर एक देश के पास अपना अपना ध्वज है जो उस देश का प्रतिनिधित्व करता है। सभी देशों ने अपनी मातृभूमि से जुड़ी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया है। हमारे भारत देश के झंडे में मौजूद हर रंग और चिन्ह किसी न किसी महत्वपूर्ण चीज का प्रतीक है जिनसे हम प्रेरित होते हैं। लेकिन दुनिया के दो देश ऐसे भी हैं जिनके फ्लैग यह बाकी देशों के झंडों से अलग हैं। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की, जिनके झंडों में कुछ खास बात है। इन दोनों ही देशों के झंडे के एक कॉर्नर में ब्रिटेन का झंडा यूनियन जैक चित्रित है। अगर हम किसी व्यक्ति की कोई चीज या ब्रांड से जुड़ी कोई चीज इस्तेमाल करते हैं तब हमारे ऊपर कॉपीराइट लग जाता है। ऐसे में कोई देश दूसरे देश का झंडा इस्तेमाल कैसे कर रहा है, क्यों बना होता है इन दो देशों के झंडे में जैक? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के झंडे के कोने में यूनियन जैक बने होने के पीछे की वजह है कि एक समय में ये दोनों देश ब्रिटिश उपनिवेशों का हिस्सा रह चुके हैं। ये अब ब्रिटिश कॉमनवेल्थ राष्ट्र का हिस्सा हैं। इन देशों के झंडों में यूनियन जैक की मौजूदगी उस संबंध का प्रतीक है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के झंडे में यूनियन जैक होना इन देशों और यूके के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। यूनियन जैक एक पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश और प्रभुत्व के तौर पर न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक नींव को मान्यता देता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के झंडे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के नेशनल फ्लैग में यूनियन जैक के अलावा कुछ और समानता भी देखने को मिलती है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का झंडा गहरे नीले रंग का है। अंतर बस इतना है कि ऑस्ट्रेलियाई के फ्लैग में 6 व्हाइट स्टार्स हैं, वहीं न्यूजीलैंड के झंडे में 4 रेड स्टार्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में यूनियन जैक को पहली बार 29 अप्रैल 1770 को कैप्टन कुक ने स्टिंगरे हार्बर, जिसे बाद में नाम बदलकर बॉटनी बे में रखा था।